नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 5 स्मार्ट टिप बताने जा रहा हूं जो आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। दोस्तों आपका सिविल स्कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जब बात आती है किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपके क्रेडिट कार्ड या लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने की या फिर अप्रूवल मिलने की, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है उनके लोन के और क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन जल्दी से अप्रूव हो जाते हैं और वहां पे उनको अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है उनके क्रेडिट कार्ड की, और जो लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें भी काफी सारा बेनिफिट उनको मिल जाता है जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो हमें हमेशा अपना सिविल स्कोर बेटर रखना चाहिए। इसके लिए जो 5 स्मार्ट टिप्स हैं जिनको मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो पहली टिप है वो है क्लियर ऑल योर एग्जिस्टिंग ड्यूज, यानी कि आपके जो पुराने ड्यू आपके ऊपर चल रहा है, जो आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर चल रही है, आप सोच रहे हैं उसको आप पे नहीं करेंगे, तो इससे आपका सिविल स्कोर इतना खराब हो जाएगा आने वाले टाइम में आपको उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपके जितने भी ड्यू चल रहे हैं पुराने, कोई भी हो सकता है, लोन का हो सकता है या क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, ईएमआई हो सकती है, उन सबको आप पे कर दें, फुल एंड फाइनल कर दें और खत्म करें। आपके पुराने एग्जिस्टिंग ड्यू है वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे ही आप अपने ड्यूज को क्लियर कर देंगे, आपके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग बकाया नहीं बचेगी किसी भी लेंडर की, तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी टिप है वो है पे योर ईएमआई ऑन टाइम। दोस्तों अपनी ईएमआईज का पेमेंट कर देना ही इनफ नहीं होता है, आपको उन ईएमआईज के पेमेंट को टाइम पे करना भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी ईएमआई का भुगतान टाइम पे नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका जो सिविल स्कोर है वो नीचे की तरफ खिसकता चला जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी ईएमआई पे करने में डिले करते हैं तो इसकी जो जानकारी है वो आपकी सिविल रिपोर्ट में मेंशन रहती है, और कितने दिन बाद पे किया आपने, कितने लेट पे किया, सारी जानकारी वहां पर रहती है, और इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो आप हमेशा अपनी ईएमआई को टाइम पे करते रहें। अगर आप अपनी ईएमआई को टाइम पे करने में भूल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक पेमेंट भी लगा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, जहां से कि ऑटोमेटिकली जब भी डेट आने वाली होगी उससे पहले ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपकी ईएमआई पे हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी टिप के बारे में। दोस्तों तीसरी टिप यहाँ पे है कि लिमिट योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट आपको मिली होती है, बैंक से कोई भी लिमिट मिली होती है, आपको उसको यूटिलाइज करते समय ध्यान रखना है कि आपको उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करना है। अगर आप उसको अपनी इनकम से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो लेंडर को लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो आमदनी है उसमें आप जो है अपनी लाइफ को सही से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो लिमिट को इस्तेमाल करने की जो आपकी दायरा होना चाहिए वो आपकी इनकम का 50% तक होना चाहिए। वैसे कहते हैं कि आपके पास जो टोटल क्रेडिट लिमिट है उसके 30% तक ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, बाकी को फ्री छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बूस्ट होता है। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके सिविल स्कोर के गिरने के चांस रहते हैं। तो आपको ये बात को ढंग से ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी जो इनकम है आपको उसका आधा ही आपकी क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके आगे जो चौथी टिप है वो ये है कि रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी इन योर सिविल रिपोर्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपनी लोन का और ईएमआई का, अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन आप जो लेंडर हैं वो सिविल ब्यूरो को बताना भूल जाते हैं कि आपने टाइम पे पेमेंट की है। तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा गिरता है, फिर और भी सारी कमियां हो सकती है जो कि आपकी सिविल रिपोर्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको हमेशा इस तरह की कोई कमी नजर आ रही है सिविल रिपोर्ट में जो आपने नहीं किया है, आपने टाइम पे पेमेंट किया या आपने कोई क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया है उसके बारे में अभी भी आ रहा है, तो आपको इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका सिविल स्कोर गिरता चला जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए आपको करना होगा अपनी सिविल रिपोर्ट को टाइम पे चेक करना रहेगा। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप बजाज फिनजर्व की वेबसाइट पे जाकर भी अपना सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। बजाज फिनजर्व जो है इंडिया की लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप अपना सिविल स्कोर वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी और पांचवी टिप है बोरो ए मिक्स क्रेडिट। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आप कभी क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करते, आपने कभी लोन नहीं लिया या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसे में आपका जो सिविल स्कोर है वो कुछ भी नहीं होता है।
और उसी तरह से आप एक ही तरह का क्रेडिट बोरो करते हैं तो आपके सिविल स्कोर के यहाँ बढ़ने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा मिक्स टाइप का क्रेडिट को बोरो करना चाहिए। आप मिक्स तरह का क्रेडिट किस तरह से बोरो कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप अनसिक्योर क्रेडिट ले सकते हैं और सिक्योर क्रेडिट ले सकते हैं। दोनों तरह का क्रेडिट आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपका क्रेडिट यहाँ पर मिक्स हो जाएगा और ऐसे में आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा। उसके बाद आप टाइम पे अपना पेमेंट करें, जो भी आपका किसी भी तरह का क्रेडिट आपने लिया है, चाहे वो सिक्योर है चाहे अनसिक्योर है, जब भी पेमेंट की डेट आ रही है आपको टाइम पे पेमेंट करना रहेगा। इस तरह से आप साल से 6 महीने के अंदर में आपका सिविल स्कोर बहुत सारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों यही जानकारी थी आज के इस वीडियो में जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।